हेलो 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 ऑसम पीपल, वेलकम टू हिमानीज ऑसम लाइफ। और मेरी ऑसम सी लाइफ में आपका स्वागत है। हाय गाइस। और हम लोग आज जा रहे हैं कुछ चिल करने। मौसम बहुत ही खुशनुमा है, बारिश हो रही है और इतनी प्यारा वेदर, ठंडी मतलब ठंडा वेदर हो गया है। बारिश में क्या तो ठंडा हो जाता है ना, तो वैसे तो टू बी ऑनेस्ट मन करता है कि भाई बस सोते रहो, सीरियसली सो, चाय पकौड़े खाओ, ओए होए होए होए, बस और कुछ करने का मन नहीं करता। बट काम तो करना ही है। लेकिन बट आज है संडे और संडे होता है फन डे, तो हम करने जा रहे हैं फन और आपको लेके जा रहे हैं साथ में। तो आ जाओ करते हैं फन। तो वेलकम। और आ चुके हैं हम किड्जेनिया में, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल। तो हम बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बहुत ज़ोर की भूख लगी है, तो हमने सोचा कि पहले खा लिया जाए और पेट पूजा के बाद हम करेंगे खेल पूजा। तो चलते हैं खाने के लिए। तो यहाँ हम एक राजधानी रेस्टोरेंट है जो बहुत फेमस है राजधानी और गुजराती थालीज के लिए। यहाँ पर बहुत ही एक तरह का 56 प्रकार का भोजन मिलता है जो मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ हम आए हैं, यहाँ पर अभी सैलेड सर्व हो रही है, मिक्स कॉर्न टमेटो क्यूकम्बर का सैलेड। उसके अलावा चटनी है, अलग अलग प्रकार की चटनी है। और इसके अलावा एक जो लाल चटनी है मिर्ची वाली, वो दी गई है, लहसुन की और मिर्ची की चटनी। उसके साथ ही साथ यहाँ पर परोसा जा रहा है एक प्रकार की लस्सी, केसर लस्सी इसको बोल रहे हैं। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि आपको लेना है कि नहीं, तो हमने टेस्ट करने के लिए केसर लस्सी ली है, जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, केसर है, पिस्ता, कड़ी दी है इन्होंने, दाल दी है दो प्रकार की, कटलेट दिया है, मलाई कुछ बर्फी थी, बर्फी नहीं रसगुल्ला टाइप का लेकिन बहुत टेस्टी था वो दिया था, चूरमा और नमकीन उपमा। ये है दाल बाटी, बहुत ही टेस्टी। मेथी का थेपला मैं हाफ खा चुकी हूँ, पापड़ चपाती, इसके साथ और क्या क्या मिला है, ये मिक्स वेज मिला है, मिक्स वेज। अच्छा, ये आलू वगैरह की सब्जी मिली है, वो भी नहीं, नहीं मुझे थेपला चाहिए, थेपला मुझे, थेपला पर अनलिमिटेड खाना मिलता है, थाली मिलती है, आप जितना मर्जी खा सकते हो ले सकते हो। ये आलू मटर की सब्जी है। अच्छा, छोले हैं, दाल है, कड़ी है और ये है मूंग दाल हलवा मेरा फेवरेट। मैं टेस्ट करती हूँ, बहुत अच्छा। ये पापड़ी चाट, ऑनेस्टली बोल रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर ये कुछ कटलेट मिला है किसी चीज़ का, वो मैं खा के देखती हूँ। बीटरूट कटलेट, अच्छा है, पता नहीं चलता कि बीटरूट का वो जो सिंगी टेस्ट होता है वो नहीं आता, अच्छा लगता है। मिर्ची का अचार मिला है और ये कुछ स्वीट में मिला है, मलाई कुछ नाम था इसका, भूल गई, टेस्ट करके बता, स्वीट डिश। मलाई रसगुल्ला, अच्छा, मतलब ऑल ओवर बहुत अच्छा खाना है, मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे इस तरह से थाली जो होती है ना प्रॉपर, वो खाने बहुत मज़ा आता है। और हाँ, ये मैंगो लस्सी है और साथ में वाइट लस्सी भी मिली है, बस
काला चाट है, काला चाट बहुत अच्छा है, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हो सिटी मॉल में। राजस्थानी कौन सा, मैं तो भूल गई रेस्टोरेंट कौन सा था, ये रेस्टोरेंट का नाम क्या है? राजधानी रेस्टोरेंट है, जिसमें ऑथेंटिक जो है वो गुजराती और राजस्थानी खाना थाली जा खा सकते, इट्स रियली गुड और अनलिमिटेड। इतना सारा खाना था तो एक दो खाना तो मुझे लग रहा है मैं आपको बताना भूल गई, एंड इनफैक्ट मैं तो खाना भी भूल गई थी। एक खिचड़ी भी मिली थी और ये बाजरे का रोटला जो छोटा सा आप देख रहे हैं ये था, खिचड़ी थी, फ्राइड राइस थे, तो ये हमारा बिल्कुल पेट फुल हो चुका था तो हमने खाया भी नहीं, उन्होंने डाल दिया। और बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा क्लासी एक रेस्टोरेंट है और अच्छा आपको सर्व किया जाता है, सर्विस बहुत ही उम्दा है, बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा है, आपको ज़रूर जाना चाहिए, एक बार विज़िट करना चाहिए और राजा और महाराजा वाला ट्रीटमेंट आपको यहाँ मिलता है। बहुत सारा खा लिया यार, बहुत सारा, क्योंकि अनलिमिटेड था और बहुत दिनों बाद इतनी वैरायटी और स्पाइसेस एंड मीठा एंड तीखा एंड खट्टा एंड मतलब सारे फ्लेवर्स खा लिए आज तो, दाल कढ़ी मटर आलू और सेब का पोहा था एक, और चूरमा, दाल बाटी और मूंग दाल हलवा, पता नहीं कितनी सारी डिशेस थी मैंने इसमें से, बहुत हाँ वो भी थी एक रोटला, उसका बाजरे का रोटला भी था और थेपले भी थे, मतलब गुजराती और राजस्थानी थाली मिक्स थी, बहुत आप सोच सकते हो अनलिमिटेड, खिचड़ी भी थी और पुलाव भी था, जीरा राइस भी था, बहुत सारा था, मतलब आप खा नहीं सकते इतना एक बार में, पूरा पूरा फिलअप पूरा था सीरियसली, लेकिन जो भी है मज़ा बहुत आया खा के, मतलब आत्मा कहते हैं ना, आत्मा तृप्त हो गई, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, मज़ा आ गया सीरियसली। अब हमारा डिनर हो चुका है और हम बस अब यहाँ से निकल रहे हैं और बस प्ले करने जाएंगे, बहुत सारा कुछ मुझको फ़न करना है, तो हम लोग गेम जोन में चल दिए हैं और वहाँ जाके हम कुछ कुछ प्ले करेंगे। गेम जोन में जैसा आपको पता ही हुआ कि प्ले करने के लिए कार्ड बनवाना पड़ता है, तो मैं यहाँ पर कार्ड बनवा रही हूँ जैसे कि मैं हम लोग सब गेम प्ले कर सकें, तो बस यहाँ पर कार्ड मेरा बन चुका है और हम लोग अब गेम प्ले करने के लिए देख रहे हैं हम कि कौन सा प्ले, यहाँ एंजल ने वाटर गन गेम जो है वो खेला है, इसमें सबको जो भी विलन्स होते हैं उनको वाटर के थ्रू मारना होता है, तो वो खेल रही है, बहुत इंजॉय कर रही है, और ये काफ़ी मिनट्स का होता है, मतलब ऐसे टाइम होता है तो उसके अकॉर्डिंगली होता है। फिर बस इसके बाद हम लोग एक जो 3D क्या बोलते हैं 5D मूवीज़ जो आजकल बहुत चला हुआ है वो गेम्स वाला, वो देखने गए, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था, टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत डर गई बहुत चिल्लाया स्टार्टिंग में तो, बट उसके बाद ऑब्वियसली मतलब धीरे धीरे ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत 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 मज़ा आया, हमने सबने किया और बहुत इन्जॉय किया, मतलब दिस जो ये वाला चीज़ थी ये हमने सबसे ज़्यादा इन्जॉय की, मज़ा आ गया, सुपर ऑसम, आई वुड सजेस्ट ये सबको एक बार ट्राई करना चाहिए। नाउ इट्स टाइम टू गो होम, क्योंकि देख सकते हैं आप रात हो चुकी है, नाइट हो चुकी है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, लाइटिंग, बिल्डिंग, और बाय कहने का समय आ गया है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय, टाटा।